अमेरिका में एक टीवी चैनल के प्राइम शो में अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टॉर्मी डेनियल्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए। डेनियल्स ने टीवी के प्राइम टाइम शो में कहा, डोनाल्ड ट्रंप से अफेयर के बाद उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया गया। इस इंटरव्यू में डेनियल्स ने ट्रंप के साथ बिताए निजी पलों पर बात की। स्टॉर्मी ने 2011 में ट्रंप के साथ निजी रिश्तों का खुलासा किया था। स्टॉर्मी के मुताबिक ट्रंप से उनकी मुलाकात एक चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट में हुई थी। 2006 में हुई इस मुलाकात के दौरान स्टॉर्मी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया, जहां स्टॉर्मी के मुताबिक दोनों के बीच असुरक्षित यौन संबंध बने। फिलहाल डेनियल्स इस बात की कोशिश कर रही है कि वह नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से मुक्त हो जाए। यह एग्रीमेंट उनसे 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 11 दिन पहले किया गया था। अब ट्रंप के वकील स्टॉर्मी डेनियल्स से $2 करोड़ का हर्जाना मांग रहे हैं। उनका कहना है कि डेनियल्स को अब इस मामले को सार्वजनिक करने का हक नहीं है, उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर का एग्रीमेंट तोड़ा है। डेनियल्स के मुताबिक एक दिन वह जब अपनी बेटी के साथ फिटनेस क्लास के लिए जा रही थी, तब पार्किंग में एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और धमकाने लगा, जिसके बाद वह काफी डर गई थी।